सोनीपत विधानसभा से हम सतपाल ब्रह्मचारी जी को 42,000 वोटों से ज्यादा की जीत दिलाऊंगे सोनीपत विधानसभा से। अपने काम पे भरोसा है और ये आपको विश्वास दिलाते हैं सोनीपत विधानसभा से सतपाल ब्रह्मचारी जी को जिता के भेजेंगे और पूरे लोकसभा में हर एक 9 से 9 की 9 विधानसभा में जीत होगी। आप देख रहे हैं हरियाणा स्पेस में हूँ आपके साथ अरुण दूनी, इस वक्त हम सोनीपत के पटेल नगर में मौजूद है जहाँ पर सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार और मेयर निखिल मदान कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सतपाल ब्रह्मचारी के लिए डोर टू डोर करके वोट की अपील कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद भी हैं। तो विधायक जी, डोर टू डोर करके आज आप लोग अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं, तो सोनीपत में देखिए हमारा सोनीपत विधानसभा का जो है सभी कांग्रेस जन जो है सुरेंद्र में अपना विधायक सुरेंद्र पवार, इधर अपना मेयर साहब निखिल बदान जी, सीनियर डिप्टी मेयर साहब राजीव सरवा जी, सुरेंद्र छिकारा जी और हमारे साथ अपना मलिक साहब विजेंद्र मलिक जी और सभी अन्य आप देख रहे हो कि सैकड़ों की संख्या में महिला शक्ति और अपना सभी पार्षदगण पीछे सूर्य दया जी खड़े हैं, नीतू दया जी हैं और हमारी जो है महिलाओं की पूर्व प्रधान और ग्रामीण प्रधान पूरी टीम जो है सैकड़ों की संख्या में आज हम वार्ड नंबर 9 में वोट मांगने आ रहे हैं वोट की अपील करने के लिए और लगातार हमारा अभियान सवेरे और शाम लगातार जारी है। विधायक जी, पिछला जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी 40,000 वोटों से चुनाव जीती थी, उस वक्त आप विधायक नहीं थे, अब आप सोनीपत से कांग्रेस के विधायक हैं, तो अब कांग्रेस की किस प्रकार की परफॉर्मेंस रहे? देखिए अगर हम मैं सोनीपत की अगर बात करूँ सोनीपत विधानसभा की, सोनीपत विधानसभा से हम सतपाल ब्रह्मचारी जी को 42,000 वोटों से ज़्यादा की जीत दिलाऊंगे सोनीपत विधानसभा से। आप जीत दिलाने की बात कर रहे हो जबकि खट्टर साहब कह रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा अगले जन्म में दिल्ली चंडीगढ़ पहुंचे, कहीं जन्म में देखिए खट्टर साहब का जो हरियाणा से वो ऐसे झोला ठवा दिया है, देखा होगा आपने विधानसभा में जब जो है उनका तो वो उनका तो जो है ना उनका कहने का तो कोई वो नहीं है। बाकी आप जो देख रहे होगे कि पूरे हरियाणा में 10 की 10 सीटों में से इंडिया गठबंधन 10 की 10 सीटें जीतेगा और जहाँ तक सोनीपत के हमारे प्रत्याशी की बात है वो इब आपने देखा होगा लोग क्यों मार रहे थे, अब 2 लाख कोई कहता 2.5 लाख कोई कहता 3 लाख, लेकिन मेरी उम्मीद ये है कि 3 से 4 लाख वोटों के जीत मार्जन से निकलेंगे। तो जो हुड्डा साहब ने जो कांग्रेस के नेता हैं सोनीपत लोकसभा के एक बड़ा चैलेंज दे गए फार्म भरवाना सवा, उन्होंने कही थी 65 से मेरी हार हुई थी तो 3.25 लाख से सतपाल ब्रह्मचारी की जीत होनी चाहिए, एक बहुत बड़ा चैलेंज आप लोगों के सामने। नहीं नहीं बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बिल्कुल सही कहा, लेकिन सभी लोगों ने ये मान लिया कि 3,20,000 नहीं है बल्कि 4,20,000 से ज़्यादा जीत दिलाऊंगा। तो वो दूसरे विपक्षी लोग हैं वो भी एक चीज़ कहे जा है, अब हुड्डा साहब बड़ी सेटिंग की राजनीति कर रहे हैं अपने फायदे के लिए कि तो बीजेपी के लिए सेटिंग बिठा दे हैं, क्या की सेटिंग बताया नहीं तो बता दो क्या कर रहे हैं, मतलब कौन सी सेटिंग मिलजुल कर राजनीति कर रहे हैं कि तो कमजोर कैंडिडेट ला दे हैं मतदान सब आपके पास भी पहला तो न्यू बता दो आप बता दो चलो उन्हें छोड़ दो कहना है कमरे में था क्या आप न्यू बता दो कि कौन सा कैंडिडेट आपने कमजोर लग रहा है आप बता दो बीजेपी ने एक सेटिंग कर आप बता दो वो तो साहब दूसरी पार्टी है जो और आरोप लगा रहे हैं सोनाल का नाम ले रहे हैं चार का ले रहे हैं दोहानी का ले रहे हैं वो जुमलेबाजों की पार्टी है और जुमलेबाज कुछ भी जुमला सुना सके हैं। रही बात यह कि मैंने बता दिया कि 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा हरियाणा में, एक दाव और भी करे ना आपको धोबा खट्टर साहब का जोड़ा टवा दिया भाई मन तो बने पर्ची के बने खर्ची के नौकरी दी है जब 10 साल हुड्डा की सरकार दी बड़ी पर्ची चाल यार दी बड़ी खर्ची चाल यार दी नौकरी दी होती तो ये बालक जो है ये कुंवारे हंडे बिना ब्याह नहीं हो लिया बताई क्योंकि रिश्ते वाले बालक के करे बोला जी बेरोजगार है। अच्छा हमारे युवा जो है इस इंतजार में बैठे थे भी चलो सरकार नौकरी देगी 10 साल में एक नौकरी दी हो तो बता दो आप बता दो ना अभी कौन सी दी है कौन सी दी है बताओ कौन से विभाग में दी है और सुनो सारे विभाग तो बेच दिए सरकारी संस्थान। सोनीपत से जो कांग्रेस पार्टी के मेयर है निखिल मदान भी वोट की अपील कर रहे हैं हमारे साथ मौजूद भी है। मेयर साहब पहला चुनाव कांग्रेस के पक्ष में पवार साहब ने, दूसरी जो आपने कांग्रेस के पक्ष में जीत दर्ज करवाई थी मैं बीजेपी को हरा गए, अब फिर परीक्षा आएगी तीसरी सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर बनाए तो आप चौथी बता दूं इब चौथी हमारे सतपाल ब्रह्मचारी जी ने जितवाएंगे अपने काम पे वोट मांग रहे हैं। इब आप 3 गलियां मसा पटेल नगर घूमे हो
लोगों का रुझान पता लग रहा है, यहाँ काम करवा रखे हैं, शहर में काम करवाए हैं, अपने काम पे भरोसा है, उसके प्रति हम वोट मांग रहे हैं। मदन साहब, ऊपर बीजेपी की सरकार है, सोनीपत में कांग्रेस की सरकार है, विधायक जी भी कांग्रेस के और जो नगर निगम है वो भी कांग्रेस की, तो सोनीपत में किस प्रकार तो आज तक आपने बीजेपी ने आपका सहयोग किया? आज तक आपने यूं देखी कभी हम कह रहे हो कि हमारी ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा? ना, हम अपने शहर में काम करा रहे हैं। नगर निगम इंडिपेंडेंट बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी अपने तरीके से चलती है, हम उसको चलाने का काम भी कर रहे हैं और लोगों के काम भी हो रहे हैं। और आपको बता देता हूँ, जितने काम हमारे इन 3 सालों में हुए हैं, जब पीछे मंत्री हुआ करती थी इतनी ग्रांट तो उसने भी नहीं लगाई थी। अमृत योजना के एक बार जो पैसा आया था वही आया था, उसके अलावा उसने सरकार से कुछ नहीं दिलवाया था। हमने अपने निगम का टैक्स इकट्ठा हो, चाहे हमारी रजिस्ट्री की स्टैम्प ड्यूटी आती हो, जो पैसा इकट्ठा हुआ है सारा पब्लिक को देने का काम किया है। हमें अपने अमृत योजना का काम लगाया नहीं था पैसा, वो जिम की वो जिम के और जो अमृत का पैसा है, अमृत का जो पैसा है वो आज आज तक भी वैसे ही ड्रेन पड़ी है, वैसे ही उनके काम है। उसके बाद अब 3 साल बाद हमने काम चालू कराए हैं, वो भी दोबारा। तो हमें अपने काम पे भरोसा है और ये आपको विश्वास दिलाते हैं, सोनीपत विधानसभा से सतपाल ब्रह्मचारी जी को जिता के भेजेंगे और पूरे लोकसभा में हर एक 9 से 9 की 9 विधानसभा में जीत होगी। कांग्रेस की पूरी करीम यहाँ मौजूद है, तो सोनीपत का किस प्रकार से, क्योंकि शहर में कहते हैं कि बीजेपी शहरों में ज़्यादा लीड लेती है। हमारे चुनाव में भी हमारी लीड थी, इस चुनाव में भी आगे लीड होगी। आप देखना किस तरीके निकाल के आएंगे इस चुनाव को, पता चलेगा आपको। आपके चुनाव में तो फिर गांव में जाएगा ना, 6600 वोटों से हमारे शहर से भी थी। जो ये बात कह रहे हैं या तो उन्होंने अपने रिजल्ट नहीं देखे या उनके पास आंकड़े गलत हैं। 6600 वोट हमारे शहर में प्लस थी, बाकी गाँव में प्लस थी। दोबारा रिकॉर्ड चेक कर लो, इतिहास है, पन्ने पर लिखा हुआ है, सब पता चल जाएगा आपको।